ये शक्ल देख रहे हो इसकी? देखिए मेरी सिंगिंग। अरे छोटे छोटे झटके आपको मिलते रहेंगे। बता दो मम्मी क्या करवाऊँ मैं, बता दो एक बार। हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन दिया और आप देख रहे हैं विपिन एनसी व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम करवाने वाले हैं गाड़ी का कुछ काम। तो भाई नैन्सी के बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट दी थी मम्मी ने, मतलब तो भाई नैन्सी का बर्थडे गिफ्ट है, तो इसको भी थोड़ा प्यार दिखाओ। तो आज हमारी वीडियो रहेगी गाड़ी के ऊपर, आज इसका क्या काम होने वाला है, क्या काम नहीं होने वाला है। तो गाइज बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए विपिन एनसी ब्लॉग्स, ऐसे ही प्यार करते रहिए। हम आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाते रहेंगे, आपकी फरमाइश पूरी करते रहेंगे, नैन्सी की भी फरमाइश पूरी करते रहेंगे। मैं अभी सो के उठा था तो मेरी आँखों में आपको लग रही होगी हल्की हल्की नींद। भाई नैन्सी तो पेपर देने गई हुई है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइज आज हम इस गाड़ी का कुछ करवाने वाले हैं, जिससे इसकी ये शक्ल देख रहे हो इसकी, ये इसकी सुंदरता पे चार चांद लग जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं आज गाड़ी का क्या काम होने वाला है। वो नीली छतरी आड़ा रे, खोलेगा सबका ताड़ा रे, तू कर्म करे जा शर्म न कर, ना भीतर रखे काला रे। देखिए मेरी सिंगिंग। अरे छोटे छोटे झटके आपको मिलते रहेंगे। गाइस चलो छोड़ो, ये तो सब टाइम पास की बातें हैं, चलिए आपको गाड़ी दिखाते हैं। तो भाई आज करवा रहे हैं हम, बता दो मम्मी क्या करवाऊं मैं, बता दो एक बार। मेरा ना बेटा केक कोटिंग कोटिंग के करा रहे, तो समझ तो बाहर हो रही है बात। ये गेट पे खड़े सारा सामान लेगा, मैंने बुला रखे थे मम्मी, तो मैंने बताया नहीं कि भैया आने लग रहे हैं। मम्मी बोली चलो चलो आगे, हम ना देते कुछ भी। मम्मी ने सोची भाई कुछ मांगने के होंगे। और ये बेचारे रुक के मारे, आंटी खोल दो आंटी खोल दो, कोटिंग वाले हैं कोटिंग। मम्मी का समझ में नहीं आओ भाई कोटिंग के है। तो फिर मैं गया, मैंने सब गुस्सा मारा, मैंने मम्मी को बताई, मम्मी मन्ने बुला रखे हैं भाई कोटिंग वाले हैं। मन तो सोचेगा चंदा मांग रहा है। तो भाई गाड़ी करवा रहे हम कोटिंग, ब्लैक कलर था। जीजू ने सजेस्ट किया था कि विपिन गाड़ी की कोटिंग करवा ले। जीजू के पास एंडेवर थी ब्लैक कलर की, जीजू ने इन्हीं से ही कोटिंग करवाई थी। तो जीजू ने बोला कि भाई उनसे ही करवा लियो, मैं नंबर दे दूंगा। तो मैंने इनको बुला लिया है, तो सर्विस अभी चल रही है गाड़ी की, आपको दिखाते हैं चलिए। तो भाई गाड़ी वॉश कर दी है भैया ने। भैया एक बार बताओ क्या क्या रहेगा आज का गाड़ी का काम? आज हम अभी तो पहले गाड़ी वॉश किए हैं, इसके बाद अभी ये प्री कोट लगा रहे हैं। अच्छा, कोटिंग से पहले प्री कोट होता है, इससे जो माइनर स्क्रैचेज वगैरह होंगे वो दब जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, दब जाएंगे। अच्छा, इसके बाद दो कोट इसकी लगाएंगे। हाँ जी हाँ जी, स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद फिर हम सेरेमिक इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, सेरेमिक कोटिंग की। हाँ जी ठीक है ठीक है। तो भाई चलो आपको दिखाते हैं धीरे धीरे सारी प्रोसेस गाड़ी की कोटिंग की। भैया का एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर डाल दूंगा, अगर किसी को भी गाड़ी की कोटिंग वगैरह करवानी है तो आप डोर टू डोर सीधा घर पे आके, आपको सिर्फ टाइम देना पड़ेगा 3-4 घंटे का, आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। Thank you.
की कोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, एक चमक रही है, देख सकते हो आप, आपको भी दिख रहा होगा। तो भाई भैया कह रहे थे थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, गाड़ी का कलर एक नंबर का है, बहुत बढ़िया शाइन आई है गाड़ी पे, और फ्रंट से भी देख लीजिएगा कुछ ऐसे।